हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्मा, अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। सर मोहन लाल नाम का एक आदमी फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में रेलवे स्टेशन के ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसे वेटिंग रूम में एक मिरर दिखता है जो कि ऑब्वियसली इंडिया का बना होता है। उसे देख कर सर मोहन लाल खुद में हंसता है और खुद में बड़बड़ाता है, ये मिरर भी बाकी इंडियन चीज़ों की तरह है, डर्टी, इनएफिशिएंट एंड इनडिफरेंट, मतलब बाकियों से बिल्कुल अलग नहीं। मिरर भी सर मोहन लाल को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हाँ सही कहा, तुम तो बहुत अलग हो, इफिशिएंट हो, इवन हैंडसम भी हो, ट्रिम किया हुआ मूछ है और खुशबू ही खुशबू आ रही है तुम में से, सोप की, टैल्कम पाउडर की। सर मोहन अपना टाई ठीक करके मिरर को बाय कहकर अपने वॉच को देखता है और फिर रियलाइज़ करता है कि अभी भी टाइम है ट्रेन आने में। तो वो एक बियरर को बुलाता है और कहता है एक छोटा लाने को, एक छोटा यानी यहाँ पे शराब की बात हो रही है। वेटिंग रूम के बाहर सर मोहन लाल की लगेज पड़ी होती है और उसी लगेज में एक ग्रे स्टील का ट्रंक होता है जिसके ऊपर उसकी बीवी लक्ष्मी बैठी होती है। बैठकर वो पान का पत्ता चबा रही होती है और न्यूज़पेपर से अपने आप को हवा दे रही होती है। लेडी मोहन लाल की बीवी लक्ष्मी छोटी हाइट की और थोड़ी सी मोटी, उसने गंदी वाइट साड़ी पहनी होती है जिसमें रेड बॉर्डर होता है। उसने अपने नाक में डायमंड की नोज पिन पहनी होती है और कुछ गोल्ड के बैंगल्स अपने हाथ में पहने होते हैं। वो बाहर बैठकर बियरर से बात कर रही होती है। फिर मोहनलाल बियरर को अंदर बुला लेता है तो फिर वो एक कूली जो उसके पास से गुजर रहा होता है उसे वो बुलाती है। कूली से पूछती है, ये जनाना कहाँ रुकेगा? कूली बोलता है, प्लेटफॉर्म के अंत में। कूली फिर अपनी पगड़ी का कुशन जैसा बनाता है, फिर स्टील की ट्रंक को सर पर रख कर प्लेटफॉर्म के एंड तक कैरी करता है। वहाँ पहुँचकर लक्ष्मी स्टील ट्रंक पे बैठ जाती है जो कूली ज़मीन पर रख चुका होता है। लक्ष्मी फिर कूली से बात करने लगती है। लक्ष्मी पूछती है, इस लाइन के सारे ट्रेन में भीड़ होती है? कूली बोलता है, आजकल सारे ट्रेन में ही भीड़ होती है, लेकिन आपको जेनाना में सीट मिल जाएगी। तो लक्ष्मी कहती है, ठीक है फिर, तब मैं अभी खा लेती हूँ। लक्ष्मी को लगता है कि ट्रेन में भीड़ होगी तो वो पहले ही खा लेती है। लेडी लाल अपने टिफिन की सूखी रोटी निकालती है। और उसे आम के अचार के साथ खाने लगती है। तभी कुली उससे पूछता है, अकेले सफ़र कर रही है क्या दीदी? तो लक्ष्मी कहती है, नहीं, मेरा मास्टर यानी कि हस्बैंड के साथ, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो बैरिस्टर है और उनका ऑफिसर्स और इंग्लिश मैन के साथ उठना बैठना है, और मैं थैरी गवार, मुझे इंग्लिश आती नहीं, उनके तौर तरीके आते नहीं, इसलिए मैं जेनाना इंटर क्लास में सफ़र करती हूँ। लक्ष्मी को बात करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके घर में बात करने के लिए कोई नहीं है, उसका हस्बैंड के पास उसके लिए टाइम नहीं है और उसके रिलेटिव्स आते नहीं मिलने क्योंकि उसके हस्बैंड को लक्ष्मी के इलिटरेट यानी कि जाहिल रिलेटिव्स पसंद नहीं। उसका हस्बैंड कभी कदार ग्राउंड फ्लोर पे आता है सिर्फ कोई काम रहने से, इसी कारण से उनके बच्चे नहीं है। उसी वक्त सिग्नल दिख जाती है और बेल की आवाज भी होने लगती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म में ढुक रहा होता है। लक्ष्मी फट से उठती है, पब्लिक टैप के पास जाकर हाथ धोती है, अपने साड़ी के एंड से मुंह हाथ पोंछ लेती है। ट्रेन आ चुका रहता है। लक्ष्मी देखती है जेनाना कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली है। ट्रेन में ढुकती है और खिड़की के पास बैठ जाती है। दो अन्ना अपने साड़ी से निकालकर कुली को देती है और उसे जाने को कहती है।
फिर केस खोलती है और पान बनाती है अपने लिए और फिर मुंह में ठूस लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है, खिड़की के बाहर क्राउड को देखने लगती है। उधर सर मोहनलाल को ट्रेन के आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपना स्कॉच ख़त्म करता है, फिर बियरर को कहता है उसके लगेज फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देने को। सर मोहनलाल को लगता है हड़बड़ाने से, एक्साइटेड होने से उसका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, ये इंडियंस का काम है। 5 साल अब्रॉड में रहकर मोहनलाल अपना एटीट्यूड और बिहेवियर बिल्कुल हाई क्लास लोगों की तरह कर चुका है। वो कभी कभी ही हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल करता है और कभी करता भी है तो अंग्रेज़ों की तरह सिर्फ नेसेसरी वर्ड यूज़ करता है। उसे बात करना इंग्लिश मैन से बहुत पसंद है। वो सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में बातें कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश मैन से। और वो अक्सर अपनी तारीफ सुन चुका है इंग्लिश मैन से कि वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह बातें करता है। वो ये सोचकर बहुत खुश है कि उसके कंपार्टमेंट में ऑफिसर्स चढ़ेंगे, लेकिन वो कभी भी अपना इगरनेस शो नहीं करता उनसे बात करने के लिए। मोस्टली इंडियन जैसे करते हैं, ना ही वो लाउड है या अग्रेसिव है या ओपिनिएटेड है इंडियंस की तरह। वो हमेशा कंपार्टमेंट में उठता है, कॉर्नर विंडो के पास बैठ जाता है द टाइम्स न्यूज़पेपर लेकर, और इस तरीके से वो फोल्ड करता है ताकि पेपर को बाकियों को दिखा सके कि वो द टाइम्स पढ़ रहा है। द टाइम्स हमेशा इंग्लिश मैन की अटेंशन अट्रैक्ट करता था, और अगर इससे भी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होती तो वो हमेशा अपने बैलियल टाई पहनकर ही ट्रैवल करता है ताकि कोई पूछे टाई के बारे में तो वो अपना ऑक्सफर्ड कॉलेज की स्टोरी बताए, बोट रेस के बारे में बताए, रग्ड मैचेस के बारे में बताए। अगर ये दोनों से अटेंशन कैच नहीं होता और कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता तो वो हमेशा बियरर को कोई है कहकर स्कॉच मंगाता, फिर हैंडसम गोल्ड केस निकालता जिसमें इंग्लिश सिगरेट रखी होती, जिसे देखकर पक्का इंग्लिश मैन उससे पूछते। ये सब सोच ही रहा होता है कि बियरर आके उसे बताता है कि साहिब का लगेज फर्स्ट क्लास कूप में रखाया है। सर मोहनलाल उसे कूप में मिलने जाता है बट उसे भगा दिया जाता है। सर मोहनलाल अपनी सीट में आकर बैठ जाता है और प्लेटफॉर्म की भीड़ को देखने लगता है। तभी उसे दो सोल्जर्स दिखते हैं, वो उन्हें वेलकम करने का सोचता है। तभी एक कहता है सर मोहनलाल को देखकर, गेट द निगर आउट, मतलब इस काले इंसान को बाहर निकालो। निगर गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है काले लोगों को बुलाने के लिए। तो बिल नाम का सोल्जर पूछता है, रिजर्व्ड? दूसरा खाकी शर्ट मोहनलाल का पॉइंट आउट करके कहता है, जनता रिजर्व, आर्मी फौज, एकदम जाओ, गेट आउट, बाहर निकलने को कहता है। सर मोहनलाल प्रोटेस्ट करता है अपने ऑक्सफर्ड एक्सेंट में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इंजन चलना स्टार्ट करती है, ग्रीन फ्लैग दिखा चुकी होती है। तभी दोनों सोल्जर्स उसके सूटकेस, थर्मस, द टाइम्स प्लेटफॉर्म में फेंक देते हैं। सर मोहनलाल गुस्से में कहता है, मैं तुम लोगों को अरेस्ट करवाऊंगा, मुंह बंद करो अपना, जिम कहता है, और सर मोहनलाल को उसके हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देता है प्लेटफॉर्म में। सर मोहनलाल जाकर गिरता है अपने बैक पे। सर मोहनलाल एकदम शॉक रहता है, कुछ कह नहीं पाता। ट्रेन स्टेशन से निकल रही होती है, वो ट्रेन की तरफ देखता है, इंटर क्लास जेनाना कंपार्टमेंट में लक्ष्मी बैठी होती है। उसका डायमंड का नोज रिंग चमक रहा होता है स्टेशन की लाइट से। उसके मुंह में पूरा पान का सलाइवा भरा रहता है, जो वो इंतज़ार करती है कि ट्रेन निकले स्टेशन से तो वो थूके। यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है।